मंदसौर जिले का गांव भूकी में दो पक्षों में खेत में पाइपलाइन को लेकर विवाद हो गया था, जिसमें आपस में लाठी डंडे चले। घायल समर्थनपुरी गोस्वामी ने बताया कि गांव के ही मांगीलाल शर्मा ने समझौता करने के बहाने घर पर बुलाकर गांव सूटी के निवासी जेताराम तेली, रतनलाल तेली, मुकेश तेली द्वारा हमारे साथ मारपीट कराई गई, जिसमें गंभीर चोट आई है। इस वारदात में तीन लोग घायल हुए हैं, जिसमें नाहरगढ़ अस्पताल में इलाज चल रहा है और एक व्यक्ति को सिर में गंभीर चोट आने से इंदौर रेफर किया था। अब स्थिति सामान्य है। पीड़ित परिवार ने बताया कि नाहरगढ़ थाने पर मामला दर्ज कराया, मगर अभी तक उन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अपराधी अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं। आज हम लोग एसपी कार्यालय पहुंचे हैं और उनके खिलाफ एसडीओपी नरेंद्र सिंह सोलंकी को ज्ञापन सौंपा है। प्रति मंगलवार मध्य प्रदेश शासन द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार जन सुनवाई का आयोजन किया जाता है। इसमें जन सुनवाई के अंतर्गत जो भी आवेदक आते हैं, उनमें संबंधित जो बीट प्रभारी, जो हमारे गांव का सिस्टम है, उनको कॉल करके बताया जाता है कि इनकी समस्या क्या है, और उनको भी बताया जाता है आवेदकों को भी कि इनके लिए क्या निराकरण करना है। तो जन सुनवाई का आयोजन किया गया है। जेतराम ने उनका छोरा ने मांगू छोरा ने नाना ने मारपीट की, सर में लगी, हाथ पे लगी, एक पेट पे लगी, एक जांग पे लगी, लड़ते की थी सर। कई विवाद ने साहब मार पाई ब्लैंड के हिसाब से लड़ा लड़वाई की थी पत्नी के सूटी का साहब। ये भुक्की का मामला है, सूटी का रहने वाला है, और मेरी पत्नी से मार धमकी दी कि मार देंगे जान, लट मार मेरी साहब हाथ, तीन लट मार मारे, चार चौथी लट मार मिसेज के मार दी। अब शासन कहीं भी है उनको कब्जो करे, हमने हमारे सुरक्षित सही है। गौतमपुरी नाम है साहब, भुक्की रहूँ। मेरे भाई के साथ 13 तारीख को सूटी के जेतराम तेली ने गाँव सूटी में ही मारपीट करी। उसकी रिपोर्ट हमने पुलिस थाना नाहरगढ़ में दर्ज कराई 13 तारीख को, और रिपोर्ट करने गए थे उसी समय हमारे भुक्की बुजुर्ग के मांगीलाल शर्मा के फ़ोन आ रहे थे कि रिपोर्ट मत करो, नहीं तो ये जेतराम तेली तुमको जान से ख़त्म कर देगा। तो हमने थाने में रिपोर्ट करवाई, और उसके बाद घर आए तो मांगीलाल शर्मा के फ़ोन आए कि आप यहाँ आओ और मेरे घर पर आपसी करवा देता हूँ। तो सुबह पहले मेरे पापा मम्मी दोनों मंदिर गए पुराने गाँव में, उसी समय मांगीलाल शर्मा ने उनको घर बुलवाया और आपसी करने के बहाने फिर जेतराम तेली को बुलवा कर, उसके दोनों तीनों लड़कों को बुलवा कर फिर हमला करवाया। इसमें मेरे को भी सर में गहरी चोट आई, मेरे दोनों उंगलियों टूट गई, और मेरे पापा के भी सर पर बहुत गहरी चोट आई। मेरे को नाहरगढ़ से मंदसौर रेफर किया था, फिर मेरी हालत सीरियस थी, तो फिर मेरे को इंदौर MY में रेफर करा था मंदसौर वाले ने। अभी तक पुलिस प्रशासन ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी, और गुंडे सरेआम घूम रहे हैं, दादागिरी कर रहे हैं गांव में आके, और जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। उनका नाम है जेतराम तेली, रतनलाल तेली, मुकेश तेली, जेतराम तेली और तरुण तेली, मुकेश तेली, सूटी, समरथपुरी गोस्वामी, बुक्की बुजुर्ग। मंदसौर से PD बैरागी की रिपोर्ट।